ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ रैली निकालना कोटा के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भारी पड़ गया है। बीजेपी के दिग्गज नेता और कोटा उत्तर से पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल व पीपलदा के पूर्व विधायक विद्याशंकर नंदवाना सहित 111 लोगों के खिलाफ नयापुरा थाने में FIR दर्ज की गई है। बता दें, COVID-19 को लेकर मेले और अन्य आयोजनों पर रोक है, लेकिन इसी बीच कोटा में भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद गुंजल ने शुक्रवार को सरकार के खिलाफ जिला अधिकारी कार्यालय परिसर में भीड़ जुटाकर प्रदर्शन किया था। इस दौरान गुंजल ने प्रदेश सरकार व स्थानीय मंत्री पर जमकर आरोप लगाए थे। दोनों पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और विद्याशंकर नंदवाना सहित 111 लोगों पर यह मुकदमा महामारी एक्ट IPC धारा 188, 269, 270 के तहत दर्ज हुआ है। इस दौरान मीडिया से बातचीत में प्रहलाद गुंजल ने कहा कि सरकार ने रैली से एक दिन पहले ही सार्वजनिक आयोजन पर प्रतिबंध लगा दिए। आज कोई रोकने की कोशिश करता तो हमें जेल भेज देते। प्रहलाद गुंजल ने कहा कि उन पर यह पहला मुकदमा नहीं दर्ज कराया गया है, इस तरह के कई मुकदमे उनके राजनीतिक जीवन में हो चुके हैं। गुंजल ने कहा कि इस बार सरकार काफी घबराई हुई है। आपको बता दें, पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने शुक्रवार को किशोर सागर तालाब की पाल से हजारों कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली थी। यह रैली अग्रसेन चौराहा, महर्षि नवल सर्किल, MBS के सामने होती हुई कलेक्ट्रेट पहुंची। करीब 500 मीटर लंबी रैली में सैकड़ों समर्थक शामिल हुए थे। यहां पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने करीब 30 मिनट तक भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। गुंजल के अलावा भी कई स्थानीय नेताओं ने इस रैली को संबोधित किया था। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।